प्रॉब्लम नंबर 1.53 दिया हुआ है ए बॉल ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंग प्लेन सो दैट इट्स सेंटर मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा टी टाइम आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन इट्स पोजिशन करेस्पॉन्ड टू दैट शोन इन फिगर फाइंड ए दैलासिटीज ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड ओ बी में एक्सेलरेशन ऑफ दिज पॉइंट्स तो ये रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम है तो रोलिंग मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो उसके मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन देखें पहले ए का एक्सेलरेशन है लट से आगे की तरफ ओमेगा दिया हुआ तो हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको ए का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है तो टी टाइम बाद ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ बॉल की वी इक्वल टू ए टी हो जाएगी तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हर पॉइंट वी की वेलोसिटी से ऐसे आगे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा प्लस रोटेशनल मोशन देखना है तो रोटेशनल मोशन में देखें हम तो सेंटर के अबाउट लेफ्ट से इस समय कुछ ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी है तो सेंटर के अबाउट बॉल इस समय ओमेगा से प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई दिखाई देगी तो पेरिफेरी का हर पॉइंट आर ओमेगा से जैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो अब हमसे पूछा जा रहा है स्टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी ये तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से यह पॉइंट वी से आगे जा रहा है रोटेशनल मोशन की वजह से आर ओमेगा से आगे जा रहा है तो नेट वेलोसिटी वी प्लस आर ओमेगा होगी साथ ही साथ चूंकि ये दिया हुआ है कि ये बॉल रोल कर रही है रोल कर रही है दैट मीन्स इसका मतलब ही रोलिंग की कंडीशन ही होती है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये रेस्ट पर होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पर होगा तो सबसे पहले तो हम वी ओ इक्वल टू जीरो कर दें वी ओ इक्वल टू जीरो जो कि पूछा भी गया है ओ पॉइंट का वेलोसिटी तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज वी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो दिस विल इंप्लाई ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर ये वाला पॉइंट वी के वेलॉसिटी की वजह से आगे जा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन के कारण और आर ओमेगा की वेलासिटी से पीछे जा रहा है रोटेशनल मोशन के कारण रोलिंग है इस पॉइंट को रेस्ट पर रहना है तो यहां से हमें वी इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर मिल गया है. अब ए पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो वी ए इज इक्वल टू वी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आर ओमेगा विच इज सेम एज वी रोटेशनल मोशन की वजह से तो दिस इज टू वी और वी हो जाएगा ए टी तो टू ए टी क्योंकि ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए दे रखा है हमें बी पॉइंट को देखें यहां पर तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये वी से आगे जा रहा है और रोटेशनल मोशन की वजह से आर ओमेगा विच इज वी डाउनवर्ड जा रहा है तो नेट वेलोसिटी इसका अंडर रूट टू वी हो जाएगा तो वी भी, दिस इज अंडर रूट टू वी तो दिस इज अंडर रूट टू वी इज तो ये ए पार्ट हो गया बी पार्ट में हमसे एक्सेलरेशन पूछे जा रहे हैं इन ए बी और ओ के एक्सेलरेशन के लिए भी हम नेट में एक्सेलरेशन यहां निकालना है रोलिंग मोशन में तो रोलिंग मोशन को फिर से हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मास या सेंटर ऑफ़ प्लस प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर तो ये देख लेते हैं हम ए का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है सेंटर ए से जा रहा है तो ए वाला पॉइंट ये ऊपर वाला ए से जाएगा ये पॉइंट ए से जाएगा ये जाएगा हर पॉइंट ए के ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव करेगा अब मान लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है तो अब ये वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको चूंकि रेस्ट पर रहना है तो अगर ये ए के ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है एंगुलर एक्सिलेशन लिफ्ट से अल्फा है तो आर अल्फा से पीछे जाएगा अब इसको चूंकि रेस्ट पर रहना है तो वी इक्वल टू आरोमेगा की कंडीशन पहले लगा चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो का तो फिर इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए तो हम लोग लिख लें ए इक्वल टू आर अल्फा तो इक्वल टू ए बाई आर अब हमें ए पॉइंट का एक्सेलरेशन देखना है तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें हम तो टेंजेंशियल तो मोशन की वजह से सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये ए से आगे जा रहा है ये रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर होगा तो ये तीन वेक्टर ये ए का नेट एक्सेलरेशन ध्यान दें ए ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आर अल्फा रोटेशनल मोशन के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से वी स्क्वायर बाई आर रोटेशनल मोशन के नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से बी पॉइंट पर आते हैं तो बी पॉइंट में देखें तो बी पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए एक्सेलरेशन है राइट वर्ड रोटेशनल मोशन पर आते हैं तो रोटेशनल मोशन के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आर अल्फा प्लस रोटेशनल मोशन की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन ये वी स्क्वायर तो बी पॉइंट पर ये तीन एक्सेलरेशन ये ओ पॉइंट पर आते हैं तो ओ पॉइंट पर हम लोगों ने देखा कि ए राइट वर्ड आर अल्फा लेफ्ट वर्ड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा लेकिन रोटेशनल मोशन की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर है यह जरूर होगा तो ओ पॉइंट पर भी ये तीन एक्सेलरेशन वेक्टर तो यही तीनों वेक्टर का जो समेशन होगा तीनों पॉइंट्स पर यही हमारा फाइनल आंसर होगा एक बार फिर से देख लें ए पॉइंट का एक्सेलरेशन देखना था तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए राइट वर्ड रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट आर अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और वी स्क्वायर बाई आर नॉर्मल ये सेंटर की तरफ हो गया बी पॉइंट को देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए राइट वर्ड रोटेशनल मोशन का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर अल्फा डाउनवर्ड और नॉर्मल एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ ओ पॉइंट को देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए राइट वर्ड रोटेशनल मोशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखें तो आर अल्फा लेफ्ट वर्ड और वी स्क्वायर बाय आर ऐसे अपवर्ड तो ये तीनों वैक्टोरियली ए बी और ओ पर एड कर दें तो इन तीनों पॉइंट्स के हमें एक्सेलरेशन मिल जाएंगे